यूपी में मेरी नस डॉक्टर ने कटी हुई बताई थी। डॉक्टर ने बोला था आप कहीं भी सही नहीं हो पाओगे, तो मैं डॉक्टर राजकुमार जी के यहाँ से आया। जब से मुझे एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदा मिला है, 4 महीने में होकर लेकर चल लेता हूँ। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर और चोट के अनुसार मरीज के दोनों हाथ पैर या केवल पैर काम करना बंद कर देते हैं। कई बार चोट गंभीर होती है और कई बार चोट कम होती है, लेकिन दोनों परिस्थिति में भी हाथों और पैरों में कमजोरी आती है, या बिल्कुल भी हाथ और पैर काम नहीं करते हैं, या केवल दोनों पैर काम नहीं करते हैं। दोनों परिस्थितियों में रिजल्ट निर्भर करता है सही न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज और मरीज के द्वारा खुद की गई मेहनत के ऊपर। दोस्तों, वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का नाम है विपिन कुमार। ये यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से इनको D12 कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। उनके दोनों पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। इन्हें लेटरिंग बाथरूम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि इनको पैरों पर छूने पर भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इन्होंने जहाँ ऑपरेशन करवाया, वहाँ के डॉक्टर ने इनको बिल्कुल भी मना कर दिया था कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं चल पाएंगे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और घर पर ही एक्सरसाइज करते रहे, लेकिन खड़े होकर पैरों पर नहीं चल पा रहे थे। 3 साल के बाद इन्होंने हमारी ऑर्थो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर पर इलाज के लिए संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई और अपनी MRI जांच जो रिपोर्ट्स हैं इनकी उनको हमें भेजा। हमने इनकी जांच में देखकर उन्हें बताया कि आपकी चोट तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो आप वॉकर के सहारे चल पाएंगे। इन्होंने हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली और हमने इन्हें कुछ घर पर करने लायक एक्सरसाइज बताई, जिससे इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद जब हमारे सेंटर पर रूम खाली हुआ तो इन्हें बुलाया गया। 4 महीने इलाज के बाद आज यह वॉकर के सहारे चल पा रहे हैं, आराम से चल पा रहे हैं, और अपने घर पर यह आज की तारीख में 2 से 3 किलोमीटर रोड पर वॉकर के सहारे चल पाते हैं। दोस्तों, यह सब कुछ संभव हो पाया है सही न्यूरो रिहैबिलिटेशन और मरीज की मेहनत की वजह से। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं सकारात्मक रवैये के साथ, तो आपको मंजिल दोस्तों ज़रूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा मेहनत करते रहें, मेहनत करने से फल ज़रूर मिलेगी। अब यह अपने घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं और उम्मीद है कि अगर यह ऐसे ही मेहनत करते रहे तो जल्द ही स्टिक के सहारे चलने लगेंगे। दोस्तों, हमेशा मेहनत करने वाले व्यक्ति को फल है वह हमेशा ज़रूर मिलता है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम आराम से तैयार हो जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं जहां हमें मेहनत नहीं करनी पड़े, बहुत सारी मशीनें लगाएं और हम खड़े होकर चलने लगें। तो दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं होता है, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, हमेशा मेहनत करें, इसी से ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप हताश निराश होकर बैठ जाएंगे तो आप खुद अपने जीवन को नरक बना लेंगे, और अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहें। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विपिन है। मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। पहले मेरी कंडीशन घर पे बहुत ख़राब थी, 3 साल से चल नहीं पाऊँ था। जब डॉक्टर राजकुमार जी का यूट्यूब देखा, यहाँ से आ गया, एक्सरसाइज कराई और अपना आप करी, जब से बहुत अच्छा लगा और थोड़ा होकर लेकर चल लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया,
खड़ा नहीं हो पाऊँ था, चल नहीं पाऊँ था, बेल्ट बांध के चलता था घर पे। यहाँ से एक्सरसाइज करने से चलने लगा, बेल्ट छोड़ दिए, उसके बाद ओकर लेकर सही से चल लेता हूँ। डॉक्टर राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूपी में मेरी नस डॉक्टर ने कटी हुई बताई थी, डॉक्टर ने बोला था आप कहीं भी सही नहीं हो पाओगे, तो मैं डॉक्टर राजकुमार जी के यहाँ से आया। जब से मुझे एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदा मिला है, 4 महीने में ओकर लेकर चल लेता हूँ। मुझे भरोसा है मैं सही से चलने लगूँगा मेहनत करने से। मेरा नाम सचिन कुमार है, हम यूपी के रहने वाले हैं। हमने 3 साल पहले ऑपरेशन कराया था, मेरे बड़े भैया हैं, और हमने यूट्यूब पर राजकुमार जी का वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद हमने उनसे फ़ोन पर बात की। बात करने के बाद उन्होंने हमको सलाह दी कि भाई एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज इस सिवाय इसका कोई और इलाज नहीं है, एक्सरसाइज करने के बाद ही रिक्रूटमेंट आएगा इसमें, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हमने डॉक्टर राजकुमार से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई साहब आपको एक्सरसाइज करनी होगी। फिर हमने देखा, अपना बैलेंस भी देखा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई या तो यहाँ पर जाओ हमारे यहाँ पे, या फिर आप घर पर भी कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि हमने अपना बैलेंस भी देखा, बनाया जैसे भी है, फिर हम डॉक्टर राजकुमार जी के पास आए। यहाँ पर अब हमें 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने के बाद अच्छा सा रिक्रूटमेंट आने लगा, इनके पैर भी अच्छे से काम करने लगे, वो कर लेकर चलने लगे। उससे पहले इन्हें कुछ भी नहीं पता था, अब अच्छे से चलने लगे हैं, और अब हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब ने तो हमको पहले बोल दिया था कि भाई अब नहीं खड़े हो पाएंगे, और अब यहाँ पर आने के बाद सही हो गया है, इसलिए हम बार बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। पहले इनको कंप्लीट स्पाइनल ख़राब थे, अब सही है, और अब 3-4 महीने के बाद अच्छा रिजल्ट आने लगा है, और डॉक्टर साहब राजकुमार जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम इनके बताए अनुसार ही आगे घर पर कार्य करेंगे, जिससे अच्छा अच्छे से और चलने लगे। अब फिलहाल वोकर लेकर अच्छे से चलते हैं, वोकर भी घर जाने पर छूट जाएगा, इसलिए हम डॉक्टर राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर किसी और भाई को भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, तो वह आप कर या यूट्यूब पर देखकर बात कर सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है।